भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की आज जयंती है। इस जयंती पर उनको वंदन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान ने इस देश में समता लाई, बंधुता लाई, जिस संविधान ने हर व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया। और मैं ऐसा मानता हूं कि यह संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, क्योंकि भारत देश ने आज तक जो प्रगति की है वो प्रगति इस संविधान के कारण की है। और विशेष रूप से मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को और उनकी स्मृतियों को जतन करने का प्रयास किया है, मुंबई में जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, उस चैत्य भूमि पर इंदू मिल की जो जगह है, करीब सालों से ये मांग थी कि वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का स्मारक बने, लेकिन पुरानी कांग्रेस की सरकार ने एक इंच जमीन भी उस स्मारक के लिए नहीं दी। मैं जब मुख्यमंत्री बना और हम मोदी जी के पास गए तो 3600 करोड़ की जमीन 3 दिन के भीतर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के स्मारक के लिए मिली। आज वह स्मारक का काम शुरू है और 2020 में एक बहुत ही भव्य ऐसा स्मारक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का बनेगा। और मुझे लगता है चाहे वो 26 अलीपुर रोड हो, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे लंदन का घर हो, हर जगह जिस प्रकार से इस सरकार ने बाबा साहब की स्मृतियों का जतन किया है वो मैं ऐसा मानता हूँ अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आज संविधान की रक्षा अगर किसी ने की है तो वो मोदी जी ने की है।